मानहानि मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आज अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में सुनवाई है। मानहानि की याचिका गुजरातियों को ठग कहने के मामले में अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता ने दर्ज कराई है। इस मामले में पहली सुनवाई पिछले हफ्ते 1 मई को हुई थी। कोर्ट ने करीब 5 मिनट तक दोनों पक्षों के बयानों को सुना। इसी बीच डिप्टी सीएम के वकील ने कोर्ट से मोहलत मांगी। इस पर कोर्ट ने 8 मई को अगली तारीख दी थी। वहीं फरियादी हरेश मेहता के वकील प्रफुल्ल आर पटेल ने सुनवाई के दौरान न्यायालय में सर्वोच्च कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे में अभियुक्त कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। तेजस्वी यादव ने पिछले महीने नीरव मोदी को लेकर आई खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरातियों पर ही विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था, आज देश के हालात में सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं, उनके ठग को माफ़ भी कर दिया जाएगा। LIC बैंक का पैसा दे दो फिर वह भाग जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। दोस्त यार जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं लेकिन इनका तोता पिंजरे से नहीं निकलता, उनकी इसी बयान के बाद कारोबारी हरेश मेहता ने बीते 21 मार्च को तेजस्वी यादव के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 आपराधिक मानहानि के तहत मामला दर्ज करवाया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ।